बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? मैं हूं शेफ बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद छोटा शेफ। तो आज मैं अपनी रेसिपी का आगाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत फरमान के साथ करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को पिलाओ और खाने को आम करो। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। हमारे मदरसे के बच्चों को कढ़ी बहुत पसंद है। आज मैं उनकी बहुत पुरजोर फरमाइश पर कढ़ी पकौड़ा बना रहा हूँ। मेरी कई दिनों से प्रॉपर वीडियोस नहीं आ रही थी, वो इसलिए क्योंकि मेरे स्कूल अचानक खुल गए हैं और मेरे एग्जाम हो रहे हैं, इसलिए मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना सका। आज हम अपनी रेसिपी मदरसे के बच्चों के नाम बना रहे हैं, उनके लिए हम कढ़ी पकौड़ा बना रहे हैं। तो देखते हैं हमें कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वैसे हम अपनी कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। आज मैं ज़्यादा मिकदार में कढ़ी बना रहा हूँ। तो देखते हैं ज़्यादा मिकदार में कढ़ी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने दरमियाने साइज़ का पतीला ले लिया, जिसमें आधी देग पक जाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमने इसके अंदर हाफ के जी ऑयल ले लिया है, हमने इसको डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने 4 बिग साइज़ के ऑनियन लिए हैं, जिसको मैंने ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लिया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। तो हमारा ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसके अंदर हाफ पाव ग्रीन चिली हमने चॉप कर लिया, हम वो ऐड कर लेंगे इसके अंदर। हमने इसके अंदर 8 टेबल स्पून लहसुन अदरक का मिक्स पेस्ट ऐड कर लिया है। तो बस यहाँ पे मैंने 2 बड़े पैकेट कसूरी मेथी के लेके हमने इसको अच्छी तरह साफ कर लिया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। तो व्यूअर्स, कसूरी मेथी के अंदर मिट्टी होती है, इसलिए इसको पानी के अंदर डाल के ऊपर से छान लेते हैं और मिट्टी नीचे रह जाती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज के पुदीने की गुटी लेके हमने इसको बारीक बारीक काट लिया, हम इसको ऐड कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक खास टिप देता चलूँ। हमने पुदीना इसलिए ऐड किया, इससे आपका हाजमा बहुत अच्छा रहता है। आप जितनी मर्जी कढ़ी खाइए, आपके पेट में ना तो गैस होगी, और जब आप गर्मियों में कढ़ी बनाएंगे तो आपने ज़रूर इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे, इससे आपका हाजमा बिल्कुल सही रहेगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इसके अंदर हद ज़रूरत नमक ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने शैतान क्यूमन सीख लिया, हम इसको ऐड कर लेंगे। शैतान का हमने चिली फ्लेक्स लिया, शैतान का हमने रेड चिली पाउडर लिया है, आधी शैतान का हमने टर्मरिक पाउडर लिया है। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा तड़का रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 10 किलो चाटी की लस्सी, 1.5 किलो बेसन और 10 किलो पानी आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर लूंगा। तो व्यूअर्स, हमने अपना बेसन, 10 किलो पानी और 10 किलो चाटी की लस्सी हमने अपना जो लिक्विड है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड कर लिया। अब हम इसको एक बाल आने तक पकने देंगे, और उस बाल के बाद हम इसको 3 आवर तक लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो व्यूअर्स, एक मरतबा मैं आपको फिर बता दूँ, इसके अंदर मैंने 10 किलो चाटी की लस्सी, 10 से 12 किलो पानी, 1.5 किलो बेसन हमने इसके अंदर ऐड कर लिया, आधी शिटांक हमने इसके अंदर टर्मरिक पाउडर डाला था, पर मुझे थोड़ा कलर नहीं सेट लगा, इसलिए मैंने आधी शिटांक इसके अंदर और डाल दिया। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी कढ़ी पकने के बिल्कुल करीब है। हम दूसरी साइड पे कढ़ी का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, मेरी ऑल व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे तारिक मामू हैं, उनका जो बेटा अली है वो मजदूर है, वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो आप उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और उसकी वजह से उसके अम्मी अबू को सुकून मिल जाए। आप सब ने उसके लिए दिल से दुआ करनी है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसके अम्मी अबू को सुकून मिल जाए।
तो व्यूअर्स आइए हम अपने पकौड़ों का बैटर बना लेते हैं। तो व्यूअर्स ये हम मैंने 3 kg पोटैटो लिए हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने वन कप हमने यहाँ पे क्रश कोरिएंडर लिया, हम इसको ऐड कर लेंगे। हाफ कप हमने ग्रीन चिली ली है जिसको हमने चॉप कर लिया, हम उसको ऐड कर लेंगे। हाफ के जी मैंने इधर ऑनियन लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, हम इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया बारीक बारीक आधा कुटी हमने इसको बारीक बारीक काट लिया है, हम इसको ऐड कर लेंगे। नमक हसबे ज़रूरत हमने लिया है। हाफ कप हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिया है। तो वैसे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 किलो बेसन। अब हम इसके अंदर 1.5 पाव हम इसके अंदर जो है मैदा ऐड करेंगे। तो तमाम ख्वातीन मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो हम बात ख्वातीन कहती हैं कि जब उनके जो पकोड़े होते हैं वो हम कढ़ी में डालते हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे छोटे शेफ़ की बात ज़रा गौर से सुनिएगा, आप बेसन के साथ इसके अंदर मैदा भी ऐड करेंगे, उसकी वजह से आपके पकोड़े हार्ड नहीं रहेंगे बल्कि सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे छोटे शेफ़ की इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा पानी लेके अच्छी तरह बैटर को मिक्स कर लूँगा। तो बस माय पकौड़ा बैटर ही रेडी है। अब मैं दूसरी तरफ कढ़ी का तड़का तैयार कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स अब हम कढ़ी का तड़का रेडी करते हैं। तो व्यूअर्स हमने ज़्यादा मिकदार में कढ़ी बनाई है इसलिए हम ज़्यादा मिकदार में तड़का बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 kg ऑयल लिया है जिसके अंदर मैंने 1/2 kg ऑनियन जिस बारीक बारीक कटा हुआ था हमने उसको ऐड कर लिया। अब हम इसको ब्राउन होने तक इसको कुक करेंगे। तो व्यूअर्स हमारा ऑनियन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर 3 tablespoons मेरा होममेड अनमोल गर्म मसाला ऐड कर लेंगे। 10 tablespoons हमने कोरिएंडर एंड क्यूमन सीड का मिक्स पाउडर लिया, वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 tablespoon हमने करी पत्ते का पाउडर लिया है, हम वो ऐड कर लेंगे। और 1 cup हम इसके अंदर ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर लेंगे और गोल मिर्च ऐड कर लेंगे हम। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स माई तड़का इज रेडी। अब हम इसको कढ़ी के अंदर डाल लेते हैं और साथ में पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स हम इसके अंदर तड़का ऐड कर लेंगे। तो व्यूअर्स माई कढ़ी इज रेडी। फाइनली मेरी कढ़ी पूरे तरीके से तैयार है। अब हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनी है। अल्लाह ताला मदरसे के बच्चों के नसीब में करे और ऐसी नेकी बार बार करने का मौका हमें दे। शुक्रिया। तो व्यूअर्स अब मैं पकौड़े फ्राई कर लेता हूँ। तो ये मेरे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको कढ़ी के अंदर डाल लूँगा। ये देखें, अब मैंने सारे पकौड़े कढ़ी के अंदर डाल लिया। अब मैं इनको मदरसे लेके जाऊँगा कढ़ी को।
بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. لا إله إلا هو الحليم الكريم الحمد لله رب العالمين آمين. أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم آمين. لا تدع لذنبا إلا فرجت ولا حما هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين. يا رب العالمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار الكهار الوهاب الرزاق يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث آمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات آمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات آمين. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين آمين. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات آمين. اهدي بالبأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما آمين. إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين. وعملا متقبلا آمين. وعملا متقبلا آمين. ورزقا حلالا طيبا آمين. ورزقا حلالا طيبا آمين. رضيت بالله ربا آمين. وبمحمد محمد الرسول وبالإسلام دينا آمين. اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر لميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا آمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا آمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا آمين. اللهم عافنا في بدني آمين. اللهم عافنا في سمعي آمين. اللهم عافنا في بصري آمين. اللهم عافنا في بصري آمين. لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات آمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات آمين. یا اللہ ہم تیرے گناہ کر بندے خطا کر بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھلا کے اللہ تیری رحمت کا سوال کرتے اللہ ہمیں معاف فرما آمین. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما آمین. اللہ تمہیں غفار ہونے کا واسطہ مولا ہمیں معاف فرما آمین. اللہ ہم جس مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں مولا اس مقصد کو پورا فرما آمین. اللہ اس مقصد کو پورا فرما آمین. اللہ بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی تارک کے بیٹے کو شفا عطا فرما آمین. اللہ بھائی تارک کا بیٹا اللہ علی بھائی کو شفا عطا فرما آمین. اللہ شفا کاملہ عاجل عطا فرما آمین. اللہ بھائی تارک کے بیٹے کو شفا عطا فرما آمین. اللہ جن جن مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا کہ اللہ تمام کو صحت عطا فرما آمین. اللہ جن بھائیوں نے جن بہنوں نے دعا کے لیے کہا اللہ ہر ایک کی نیک مراد پوری فرما آمین. اللہ کاروباروں میں برکت عطا فرما آمین. اللہ رحمت عطا فرما آمین. اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے آمین. اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما آمین. اللہ جتنے مسلمان بھی پریشان ہیں اللہ علی کی پریشانیاں دور کر دے آمین. الماس اللہ الماس بھائی کے لیے اللہ دعا کے لیے کہا گیا اللہ اس کو صحت عطا فرما آمین. اللہ کاروبار مال جان میں برکت عطا فرما آمین. اللہ کاروبار مال جان میں برکت عطا فرما آمین. اللہ بھائی الماس کی نیک مراد پوریا فرما آمین. اللہ جس جس کے لیے دعا کے لیے کہا گیا
अल्लाह हर एक नेक मुराद पूरी फरमा। आमीन। अल्लाह ये हमारा भाई बिलाल अल्लाह इसके जो इसने जो काम का आगाज किया है अल्लाह तो खैर वाला बना। आमीन। अल्लाह जो जो भाई इसको चाहने वाले हैं अल्लाह उनकी नेक मुराद पूरी फरमा। आमीन। अल्लाह जो जो भी इसको चाहने वाले अल्लाह उनकी नेक मुराद पूरी फरमा। आमीन। अल्लाह उनके माल जान में बरकत अता फरमा। आमीन। अल्लाह उनके माल जान में बरकत अता फरमा। अल्लाह हमें नेक बना, पांच वक्त का नमाजी बना, अल्लाह हकीकी मुसलमान बना, और जब तक भी जिंदा रखना अल्लाह इस्लाम पे जिंदा रखना। आमीन। मौत ईमान के हालत में शहादत की मौत अता फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। आमीन। अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा। आमीन। अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा। आमीन। अल्लाह हमें नेक बना। आमीन। अल्लाह हमें हफ्ज कुरान बना। आमीन। अल्लाह हमें बाअमल बना। आमीन। अल्लाह जो जो भी हमारी दुआ के अंदर लोग शामिल है अल्लाह उनको नेक बना। आमीन। अल्लाह उनके नेक अरादे अल्लाह उनको पूरा फरमा। आमीन। अल्लाह जो जो भी हमारी दुआ को अल्लाह ये सुन रहे हैं अल्लाह उन्हें नेक बना दे। आमीन। अल्लाह उन्हें एक बना दे। अल्लाह इस्लाम पे चलने वाला बना दे। अल्लाह उनको पांच वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उनके माल जान कारोबारों में बरकत अता फरमा। अल्लाह हमने जो कुछ भी मांग लिया मुराद सभी कुछ अता फरमा। या खालिक या मालिक जो कुछ हमने नहीं मांगा लेकिन हमारे लिए बहुत ही वो बेहतर अल्लाह भी ने मांगे अता फरमा। रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين